असलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात की डिटेल से, डबल ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह आ सकता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमिन्स दी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। कोई भी अगर आपके पास है, जैसे मैं अल्कोहल का OH लिख रही हूँ, तो ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है। फंक्शनल ग्रुप के जितने भी आपके पास यहाँ पर OH आएगा तो वो आपको किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये अल्कोहल ग्रुप का जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप का जो है मेन पार्ट और रिमेनिंग पार्ट क्या है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेनली डिटरमिन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मैंने प्रीवियस लेक्चर में फ़िज़िकल और केमिकल दोनों का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जिसको अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इशू आ रहा है वो प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़े। विच गिव्स करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल विच गिव करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो वो इसी की स्पेसिफिक करैक्टर्स जो हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे जिसमें जो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो मेन है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप आर अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन। आपके पास बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं, उसमें सबसे पहला जो है अल्कोहल्स का है, जो मैंने अभी आपको बताया। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, ये है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है इसको भी देखते हैं, और उस जनरल फॉर्मूला में R जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला है ROH। तो R क्या है, ये है इसका जनरल फॉर्मूला। अब इसमें R क्या है, R जो है कोई सा भी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस की थी आपके साथ। अगर किसी को अल्काइल का नहीं पता, आपने जस्ट यही लेक्चर देखा है, तो अल्काइल फॉर्मेशन का आप पहले वो लेक्चर देखें, फिर आपको इसकी समझ आएगी। क्योंकि केमिस्ट्री में जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होते हैं, तो जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखोगे आपको नेक्स्ट वन समझ नहीं आएगा। ये बताने के बाद, जनरल फॉर्मूला बताने के बाद, आपने एग्जांपल्स बतानी हैं। अब मैं यहाँ पर अल्काइल में यहाँ लिख रही हूँ CH3 और साथ लगा रही हूँ फंक्शनल ग्रुप। तो आपके पास ये क्या बना, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अल्काइल ग्रुप में मैं एक और ऐड कर रही हूँ, ये है आपके पास इथाइल अल्कोहल। ये आपके पास इथाइल ग्रुप है, इथाइल अल्कोहल। अगर आप एक और ऐड करना चाहें तो एन प्रोपाइल, उसके बाद ब्यूटाइल, आप डिफरेंट जो हैं वो, क्योंकि अगर आपको अल्काइल फॉर्मेशन आती है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इथर लिंकेज। इथर लिंकेज का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इथर, इथर लिंकेज में फंक्शनल ग्रुप आपका आता है, ये है फंक्शनल ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला होगा, ये है आपके पास जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, और आपने फंक्शनल ग्रुप इसका देखा। अब इसमें R और R क्या है, सेम अल्काइल ग्रुप है ये, अल्काइल ग्रुप। R और R में भी सेम और डिफरेंट, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, यहाँ पर भी मिथाइल लगा देते हैं। यहाँ पर CH3 मैंने H पहले लिख दी है, और सी ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। और फंक्शनल ग्रुप आएगा, और फिर मैंने मिथाइल ऐड किया। अब क्योंकि यहाँ पर मिथाइल जो है वो 2 टाइम है, तो ये आएगा आपके पास डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट वन
अमिथाइल की जगह इथाइल भी लगा सकते हैं, C2H5 वहाँ पर मैंने सेपरेट लिखा था, यहाँ मैंने कंबाइन करके लिख दिया है, तो वो कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हैं डाई इथाइल। डाई का मतलब क्या होता है, टू टाइम, अगर कोई चीज़ है तो डाई आएगा, डाई इथाइल इथर, तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह इथाइल मिथाइल इथर भी हो सकता है, आप डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जो आपने अल्काइल फॉर्मेशन में डिस्कस किया उसमें आपने सीखा किस तरह से अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, तो आप उसकी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे एच आएगा, जर्नल फॉर्मूला है इसका, ये है इसका जर्नल फॉर्मूला। आर और एच का मतलब क्या है, आर स्टैंड फॉर एंड एच अल्काइल ग्रुप हैं, आर में आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लिखूं, ये है आपके पास वेयर आर स्टैंड फॉर एच और सम अल्काइल ग्रुप सच एज, यहाँ पर मैंने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं तो वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम आना चाहिए। बस यहाँ पर देखें एच आर है और इस साइड पे हमने मिथाइल लगा दिया, आप यहाँ पर मिथाइल भी लगा सकते हैं, इथाइल भी लगा सकते हैं, तो ये आपके पास नाम आ गया एसिटैल्डिहाइड। अब जब भी आप इसका लिखेंगे तो आपने जो उसका फंक्शनल ग्रुप है लास्ट पे वो लगाना है, जैसे यहाँ पर अल्कोहल्स का जब आपने पढ़ा तो आपने कहा मिथाइल अल्कोहल, फिर आपने ईथर का पढ़ा तो डाई इथाइल ईथर लास्ट पे आया, ठीक है, और यहाँ पर एल्डिहाइड का जब आपने पढ़ा तो एल्डिहाइड का आ गया यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप और उसका नेम जो है वो ज़रूर मेंशन करना है और एग्जांपल ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि विदाउट एग्जांपल ये क्वेश्चन जो है वो वैसे भी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है जर्नल फॉर्मूला, उसके साथ एग्जांपल्स ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको लर्न करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।